वीडियो में हम लोग कंसाइज मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर जो 5B दिया हुआ है ये हम लोग आज शुरू करेंगे। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5B में, जो इन्होंने रेंज दिया था सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 टू नंबर 20 यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड का। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने सारे क्वेश्चन देख चुके थे 19 तक, और ये क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है जो फैक्टराइजेशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन है जो इन्होंने रेंज दिया था 1 टू 20 का। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 पहले लिख लेते हैं। ये कह रहा है विद इन ब्रैकेट 1+1(x+1) और दूसरा कह रहा है 1-1(x-1)=7/8। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेते हैं, तो ये हो जाएगा x+1, और इसको हम लोग देखेंगे तो x+1 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+1 और फिर +1, और इधर भी हमारा एलसीएम लिया x-1, तो x-1 और 1 ये हो जाएगा x-1 एंड देन x-1 बन जा दिस इज इक्वल टू -1=7/8। आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा x+2(x+1) और ये हो जाएगा x-2(x-1) ठीक इज इक्वल टू 7/8। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a+b एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है a-b। अब देखिए ये क्या इक्वेशन ऐसी मिलती जुलती नहीं लग रही है, लग रही है ना, तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x²-4, 2 का स्क्वायर है ना, तो ये हो जाएगा 4 नीचे x+1 x-1 को लिख सकते हैं x²-1=7/8। ठीक है, बस मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया है। ठीक, अब बस इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 8 को x²-4 से करेंगे और x²-1 को 7 से करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक तो बन जाएगा 8x²-4=7 एंड विद इन ब्रैकेट x²-1। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 8x²-8(4+32)=7x²-7 और ये हो जाएगा 8x²-7x²(-7+32)। ये बस मैंने स्वैप किया था राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट से, एंड देन x²= सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 25। सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x²=5² देयरफॉर x की वैल्यू आ जाएगी अराउंड +-5। दैट मींस x की वैल्यू क्या हो सकती है, या तो 5 होगी और x की वैल्यू या तो -5 होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 5B। यहाँ पे हम लोग को सॉल्व करना था यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड।